तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हम फ्री लैपटॉप योजना के बारे में। अब किन किन छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप योजना का यहाँ पर लाभ, आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कैसे है इसमें आपको अप्लाई करना है, डिटेल में बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर योजनाएँ होती है सरकारी और यहाँ पर वैकेंसीज होती है उसके लिए हम पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आते हैं हमारे चैनल पर, उस तरह से फिर वीडियो अपलोड होते हैं। तो उससे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चले कि आपके एरिया में कौन से हैं जॉब या योजना चल रहा है रिसेंट में। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 में यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में आपको सबसे पहले बता देने वाले हैं। तो सबके दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हैं एक खबर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको लगने वाला है जो है आधार कार्ड। तो जैसे कि आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार कार्ड योजना के माध्यम से आपको आधार कार्ड लगने वाला है। तो यहाँ पर आधार कार्ड देख सकते हैं, पहचान पत्र, उसके बाद आपको लगना है निवास, उसके बाद आपको शैक्षणिक दस्तावेज, उसके बाद आपको दिव्यांग है तो यहाँ पर दिव्यांग का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र और आठवें नंबर पर मोबाइल नंबर, इतना आपका डॉक्यूमेंट इस योजना के तहत अप्लाई करने में आपको लगने वाले हैं। उसके बाद आपको बताते हैं पर डिटेल में, तो वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024, तो आपको बता देते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। तो भारत सरकार द्वारा इस योजना का जिसका नाम यहाँ पर फ्री लैपटॉप शुरू किया गया है, फ्री लैपटॉप योजना का यहाँ पर AICT की तरफ से देख सकते हैं संचालित किया जाती है। तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को है विद्यार्थियों को है पर फ्री लैपटॉप योजना प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की तरफ से तो यहाँ पर जिनके लिए यहाँ पर यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हो, तो आप पात्रता आवश्यक दस्तावेज और आवेदन कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, जिसके आपको बताने वाले हैं इसकी जानकारी आपको पूरी डिटेल। तो इसमें देख सकते हैं इंजीनियर इंजीनियर मैनेजमेंट जैसे व्यवस्थाओं को कोर्स करने के लिए वाले स्टूडेंट को यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के लिए यहाँ पर उद्देश्य से वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 में संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक लैपटॉप 2024 योजना के तहत देश के सभी IICT यहाँ पर अप्रूवल्ड देख सकते हैं कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं मुफ्त फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही आप जिसमें वो अपनी पढ़ाई को आधुनिक तरीके से आसान ढंग से यहाँ पर कर पाएंगे इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। इसके 50 आपको बता देते हैं यहाँ पर देखते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024। तो आपको बता दें यहाँ पर वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना का शुभारम्भ AICT यहाँ पर देख सकते TI की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा शुरू किए गए हैं, जिसके तहत हम कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। योजना का यहाँ पर नाम है एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024 में शुरू किया गया है। यहाँ पर ICT के द्वारा शुरू की गए हैं। तो इसके बाद आपको बताते हैं देख सकते हैं SITI के छात्रों को लैपटॉप योजना 2024 में तकनीक कॉलेज में हर छात्रों के पर एक लैपटॉप मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं एक लैपटॉप को तकनीक छात्रों को मिलेगा। हमारे देश में शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देश में यहाँ पर एक छात्र एक लैपटॉप योजना का यहाँ पर शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है सरकार का यहाँ देख सकते हैं सभी छात्रों को एक लैपटॉप यहाँ पर फ्री लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद अपने जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज या स्कूल में पढ़ने अपनी योग्य लाभ मिलेगा उनके यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इस स्कीम को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं डिटेल में बता देते हैं डिटेल वन लैपटॉप वन स्टूडेंट लैपटॉप क्या है योजना क्या है। तो बताते हैं पर भारत सरकार देश के विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अखिल भारत पर तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना अखिल भारतीय पर तकनीकी और शिक्षा परिषद देख सकते हैं द्वारा चलाई जा रही है। तो एक आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के बारे में, आपको पात्रता साथ साथ दस्तावेज के बारे में संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाला है। तो इसके बाद आपको देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना में रजिस्टर लास्ट डेट, इसका लास्ट डेट में रजिस्ट्रेशन कब तक आपको करना होगा। तो वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना में देख सकते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं नीचे आपको बता दें यहाँ पर 2024 तक इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का।
उसके बाद आपको बता दें पर वेबसाइट की, जैसे कि आपको बता चुके हैं, आपको वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर देंगे। तब देख सकते हैं योजना का नाम देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना, उसके बाद वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के यहाँ पर देख सकते हैं कब शुरू की गई थी। यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर 2016 में इसका घोषणा किया था। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का शुरू करने के पर किसने शुरू किया था, वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का ये ICTE ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है इस योजना का। तो फ्री लैपटॉप योजना का सरकार का उद्देश्य क्या है इसको देने का, तो उसके बारे में बताते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार में गरीब और यहाँ पर ज़रूरतमंद छात्रों को शिक्षा का प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है। यहाँ पर एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना का लाभ कैसे लगे, तो बताते हैं छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किया जाए जिसमें अपनी पढ़ाई को यहाँ पर आधुनिक तरीके से यहाँ पर कर पाए अपना ढंग कर सकते हैं। फ्री लैपटॉप के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट तब देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं आप इसमें आप अप्लाई कर सकोगे रजिस्टर कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का लाभ किन को मिलेगा, तो अब देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024, तो एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना में इस योजना के तहत किन विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ICTE के अप्रूवल्ड कॉलेज के यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट होंगे, इस योजना का लाभ सीधे आपको उनको बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024 में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन अप्लाई कैसे के प्रोसेस क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो के और आगे। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना को सरकार का देने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि इस वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का 2024 सरकार का उद्देश्य एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉलेज के गरीब यहाँ पर पूरे जो भी ज़रूरतमंद है उनको शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। साथ ही क्या ऐसे छात्र जो दिव्यांग और ज़रूरतमंद है अपनी यहाँ पर तकनीक पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर सराहकार तरह से इस योजना के माध्यम से उनका यहाँ पर सफल बन सकते हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें पर वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 में बेनिफिट के बारे में आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024 के बारे में आपको बता रहे हैं, बता दें पर के लाभ के लिए आपको विशेषता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। तो इस योजना की शुरुआत यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई, कॉलेज में पढ़ने वाले यहाँ पर जैसे जरूरतमंद और गरीब स्टूडेंट को इस योजना का सीधा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद इस योजना के तहत यहाँ पर विशेष यहाँ पर विज्ञान देख सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रबंधक प्रौद्योगिकी कला वाणिज्य देख सकते हैं जैसे विषय के छात्रों को यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है। योगदान के तहत दिए गए यहाँ पर वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का निःशुल्क दिए जाएंगे। इस योजना के तहत छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वह अपनी पढ़ाई आगे अपना पूरा कर सके इस योजना के माध्यम से। इसी तरह से उसके बाद आपको बता दें एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना में यहाँ पर देख सकते हैं इसको वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना, तो देख सकते हैं भारत सरकार के यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप फ्री दे दिया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री लैपटॉप योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, दस्तावेज क्या है, योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, लैपटॉप योजना का पात्रता कौन है, आपको संपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए तभी आप इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल यहाँ देख सकते हैं ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी भरे ये आप इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देख सकते हैं वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना, तो एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर कॉलेज में देख सकते हैं कॉलेज पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों को यहाँ पर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा जिसमें कि वो अपनी आधुनिक पढ़ाई आसानी से यहाँ पर सुरक्षित आधुनिक तरीके से यहाँ पर पढ़ सकेंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बता दें यहाँ पर यानी कि ICTE यहाँ पर ई के कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ने वाले छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा। यहाँ पर फ्री लैपटॉप प्रदान किया जाएगा जिससे कि वे अपने आसानी से पढ़ाई यहाँ पर पूरा कर सकें, और इसके मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसे फ्री लैपटॉप दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा। यहाँ पर पूरी वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना की पात्रता कौन रखते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। तो पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024, तो उसको बता देते हैं के लिए आपको बता दें पर ज़रूरतमंद ये क्या है, इस योजना का आवेदन करने के लिए कुछ निर्धारित पात्र होने चाहिए। तो सबसे पहले किसी कॉलेज से यहाँ पर मैनेजमेंट तकनीकी जैसे कोर्स कर रहे हैं केवल यहाँ पर उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र इस योजना का लाभ
उठा सकते हैं। फ्री मोबाइल योजना आप लेना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरे डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करोगे, वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 आवेदन कैसे करोगे, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना का आवेदन प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन या पर ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर रजिस्टर आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुई है। इस योजना के यहाँ पर देख सकते हैं हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द आपका आधिकारिक वेबसाइट मिल जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बताने एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना के तहत आपको इस योजना के माध्यम से शिक्षा के नए मुकाम मिलेगा और तकनीकी शिक्षा छात्रों को रुचि बढ़ेगी। लैपटॉप माध्यम से आपको पढ़ाई यहाँ पर शिक्षा बढ़ेगी, तकनीकी शिक्षा अपने मुकाम हासिल कर पाएंगे, या डिजिटल शिक्षा और उसकी ओर से यहाँ पर आकर्षित छात्रों की योजना के सहयोग यहाँ पर योजना का मुख्य लक्ष्य है। आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ में